इस बस से हम जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल की एंट्री गेट, और अगर आप फ्री में दर्शन करना चाहते हैं तो इस जगह से लाइन में लगना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन कैमरा आपको इस काउंटर में जमा करना है। मेरे सामने है एक गाड़ी, इसी रास्ते से होते हुए आपको टेम्पल तक जाना पड़ेगा। यही वो टेम्पल है जिसे गोल्ड से बनाया गया है। हाय गाइस, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जा रहे हैं वेल्लोर गोल्डन टेम्पल। अभी हम हैं वेल्लोर CMC हॉस्पिटल के सामने, क्रिस्टन मेडिकल कॉलेज। इस जगह से जो गोल्डन टेम्पल है वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और हम 10 किलोमीटर बस से जाएंगे। अगर आप ऑटो या टैक्सी से जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं। CMC हॉस्पिटल के सामने से आपको ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आपको वेल्लोर CMC हॉस्पिटल के सामने से 1 किलोमीटर की दूरी पर है वेल्लोर ओल्ड बस स्टैंड। ओल्ड बस स्टैंड पर जाने के बाद आपको 8 नंबर बस लेनी है। 8 नंबर बस वेल्लोर गोल्डन टेम्पल तक जाती है। और अगर आप चेन्नई या और किसी शहर से ट्रेन से जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है काटपाड़ी। आपको काटपाड़ी स्टेशन पर उतरना है। काटपाड़ी स्टेशन से गोल्डन टेम्पल है 15 किलोमीटर की दूरी पर। आपको स्टेशन से ही कार वगैरह मिल जाएगी, आप उससे भी जा सकते हैं। इस बस से हम जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है गोल्डन टेम्पल। इस बस स्टेशन से जो भी बस से गोल्डन टेम्पल तक जाती है उन सब बसों में आपको सामने लिखा दिख जाएगा गोल्डन टेम्पल इस तरीके की। बीस मिनट में हम पहुंच चुके हैं गोल्डन टेम्पल। यह है गोल्डन टेम्पल की एंट्री गेट। टेम्पल के आसपास आपको बहुत सारे दुकानें देखने को मिल जाएंगे, गेस्ट हाउस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको इस जगह पर। प्रीमियम पार्किंग, पार्किंग वगैरह की सुविधा भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं फुट वेयर डिलीवरी काउंटर, जगह पे आप अपना चप्पल वगैरह रख सकते हैं, चप्पल स्टैंड। इस साइड से आप अगर दर्शन के लिए एंट्री लेते हैं तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप उस साइड से एंट्री लेते हैं तो आपको 250 देने पड़ेंगे सेवा एंट्री। उस साइड में 250 की लाइन, और अगर आप फ्री में दर्शन करना चाहते हैं तो इस जगह से लाइन में लगना पड़ेगा। लोग बैठे हुए हैं ना, इस जगह से आपको लाइन में लगना है। 2 जोड़े चप्पल रखने के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 4 रुपये, यहाँ पर लिखा है। डिपॉजिट काउंटर, बैग मोबाइल फ़ोन कैमरा आपको इस काउंटर में जमा करना है। अभी टाइम हो रहा है 11:50। वापस दर्शन करके आने के बाद आपसे मुलाकात करते हैं, ओके। अभी इस जगह पे कैमरा मोबाइल फ़ोन बैग वगैरह जमा करेंगे, उसके बाद जाएंगे दर्शन के लिए। दर्शन लाइन में लगेंगे, जो कि जहाँ से फ्री में दर्शन होती है उस लाइन में लगेंगे हम लोग। गाइस, अभी टाइम हो रहा है 1:42, और हमने 2 घंटे से भी कम समय में भगवान जी के दर्शन कर ली है। इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था इसीलिए बहुत ही कम समय में हमने दर्शन कर ली। भीड़ ज़्यादा होने से आपको 3 से 4 घंटा भी लग सकता है।
इससे पहले जब मैं आया था तो 4 घंटा लग गया था दर्शन करने में। अभी तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, कोविड का टाइम चल रहा है इसीलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, 2 घंटे में हो गया। मेरे सामने है एक गाड़ी जो कि देखने में लग रहा है कि एक टेम्पल है। उस साइड से हम आए थे और हम जाएंगे इस साइड से, ओनली एग्जिट यहाँ पर लिखा है। लुंगी शॉर्ट्स वगैरह आप अगर पहन के आते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। टेंपल टाइमिंग 8 AM to 8 PM एंड गो पूजा सेवा के लिए आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। स्वर्ण पुष्पा सेवा के लिए 2000 रुपये। आप अगर कुमकुमा अर्चना सेवा करना चाहते हैं तो आपको 250 पे करने पड़ेंगे। और इस साइड से होती है एग्जिट और एग्जिट के सामने आपको एक गणेश जी की मूर्ति देखने को मिलेंगी। श्रीपुराम श्री लक्ष्मी नारायणी गोल्डन टेंपल। और ये जो आप स्टार देख रहे हैं इसी रास्ते से होते हुए आपको टेंपल तक जाना पड़ेगा। टेंपल के अंदर कैमरा वगैरह तो अलाउ नहीं है लेकिन हमारे पास है फोटो। जो आप टेंपल देख रहे हैं यही वो टेंपल है जिसे गोल्ड से बनाया गया है। 15,000 किलो सोने से बनाया गया है एक टेंपल। 800 मजदूर लगाए गए थे इस टेंपल को बनाने में और 7 साल का टाइम लग गया इस टेंपल को कंप्लीट होने में। और इस टेंपल के अंदर आपको यही लक्ष्मी माता दिखाई देंगे। यही वो लक्ष्मी माता है जो उस गोल्डन टेंपल के अंदर है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।